क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर एट है, वी कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, सॉरी नॉट वी, डब्ल्यू, ठीक है, ओके. तो हर्ष कुंबरे सिंह, जेड इज द आंसर, ठीक है, देख लेते हैं. अच्छा, डब्ल्यू 25% काम करता है 30 डेज में और एक्स 1/4 काम करता है 10 डेज में, वाई. तो इसमें परसेंटेज और फ्रैक्शन का फंडा है, आपने कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, ठीक है. परसेंटेज, अगर अगर परसेंटेज 100% हो तो उसका फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1 होती है. 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 1/2 होती है, उसी तरीके से, ठीक है. तो आपने कुछ नहीं करना यार, आपने देखो W का सभी के 100%, सभी का कंप्लीट वर्क निकालो कितने डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके, तभी पता चलेगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है. तो हम लोग पहले W का निकालते हैं. आपसे पूछा क्या गया इसमें, इसमें आपको सभी का दिया है वर्क कि भैया W 25% काम पूरा करता है 30 डेज में, X 1/4 करता है 10 डेज में, Y 40% करता है 40 डेज में, Z 1/3 करता है 13 डेज में. तो कौन काम कंप्लीट जल्दी करेगा, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, ठीक है. तो इंडिविजुअल देख लेते हैं. अच्छा, W का 25% नहीं चाहिए मुझे, 100% चाहिए. तो अगर 25% काम वो 30 डेज में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा, यूनिटरी मेथड है. आप 25 को 100 कैसे बनाओगे, 25 × 4 करोगे ना आप, ठीक है. 25% को आपको अगर 100 बनाना है तो आप इसको × 4 करोगे, तो 30 डेज को भी आपको क्या करना पड़ेगा, × 4, सो यू विल गोइंग टू गेट 120 डेज. इसका मतलब W पूरा 100% काम, पूरा काम 100% का मतलब होता है वन वर्क, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो. तो जो W है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 120 डेज में, ठीक है. चल X के बारे में बात करते हैं. X, अब X 1/4, X जो काम कर रहा है 1/4, मुझे 1/4 तो चाहिए नहीं, मुझे तो 1 चाहिए. 1/4 को अगर मैं × 4 कर दूंगा, 1/4 और 25% इज सेम, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 वर्क हो जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पर जो 10 डेज हैं, 10 डेज हैं जो X के, उसको मैं अगेन × 4 कर दूंगा, सो आई विल गेट 40 डेज हेयर. तो साफ नज़र आ रहा है, अगर W और X की बात होती तो X काम जल्दी कर रहा है, W 120 डेज रहा है पूरा काम करने में, और X तो भैया 40 डेज में काम कर दे रहा है, ठीक है, ओके. हर्ष कुंबरी सेइंग, सर ग्रामर में मेरा बस सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रेजल वर्ब्स बाकी हैं. अरे डोंट वरी, तो ये इसमें फ्रेजल वर्ब तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो, और ये जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का ट्रांसलेशन है ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है. अच्छा, एक्स का भी हमने निकाल दिया, अब हम निकालते हैं डब्ल्यू का निकाल दिया, एक्स, अब वाई का निकालते हैं. तो वाई क्या कर रहा है, वाई 40% काम कर रहा है, 40%, ठीक है, वाई 40% काम कर रहा है कितने में, 40 डेज में. तो 40% तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 100% चाहिए भैया. तो 40% काम आप इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है. 40% को 40/100 या 4/10 भी आप ले सकते हो, ठीक है, 4/10 या 40/100 ही ले सकते हो आप इसे, और 40/100. तो 40/100 को अगर आपने इसको अगर आपने क्या बनाना है, इफ़ यू हैव टू मेक इट 1, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, × 100/40, रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर भी आपको × 100/40 करना पड़ेगा. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 100 डेज आ जाएगा, ठीक है. तो 40% काम 40 डेज में, तो 100% काम 100 डेज में होगा, ठीक है, वैसे ही आ जाएगा, सिंपल है. इसका मतलब वाई 100 डेज ले रहा है, ठीक है. और जेड पे आ जाते हैं, जेड या जी एक ही बात है, सबकी अलग अलग प्रोनंसिएशन है. जेड में या जी में क्या दिया है आपको, जी में दिया है 1/3, मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1/3, 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 13 डेज में. तो 1/3 को × 3 करोगे तो 1 वर्क आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 आया, 1 वर्क. तो × 3 करना है तो 13 × 3 करेंगे तो यू विल गेट 39 डेज. तो कौन काम जल्दी कर, जो सबसे कम दिन ले रहा है, तो कौन सबसे कम दिन ले रहा है, जेड सबसे कम दिन ले रहा है, ठीक है. सो जेड इज़ टेकिंग 39 डेज टू कंप्लीट द वर्क. तो कौन सबसे पहले काम कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा है, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, आंसर इट फास्ट, कौन काम सबसे पहले करेगा, जेड, वेरी गुड, जेड विल बी द राइट आंसर.